पठानकोट में डीसी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने नौकरी की मांग को लेकर बैराज डैम और स्थिति संघर्ष कमेटी ने प्रदर्शन किया। संघर्ष कमेटी का कहना है कि रणजीत सागर डैम और बैराज डैम के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के लिए सालों बीत गए, लेकिन अभी तक युवाओं को डैम में नौकरी नहीं मिली है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक जमीन अधिग्रहण के वक्त सरकार की ओर से भरोसा दिया गया था कि जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण हो रहा है उनके परिजनों को डैम में नौकरी दी जाएगी, लेकिन 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें आज तक नौकरी नहीं मिली है। प्रोजेक्ट डैम है छापर कंडी के जमीन साड़ियां कवार हुई जो डैम के अफसर उन्होंने अपने बच्चे रख ले एक एक दो दो मरले जगह लै गए जो साड़ी बारी है सानू कहते परसेंट ही नहीं बनती पी जो आप इनकुआरी की है एस डी एम सौरभ अरोड़ा ने यदि इनकुआरी की है जिदे 50 बंदे डिफाल्टर गलत पाए गए हैं अज एक साल हो गया बंदे तक बाहर नहीं कटे गए इतों पता लगता है सारी मिली भुगत है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इन युवाओं की नौकरी को लेकर कई बार उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है, मामला सरकार और प्रशासन के ध्यान में है। क्योंकि ये बड़ा गलत काम कर रहे हैं जो असी सारी एडमिनिस्ट्रेशन इन्हां दीआं डिमांड्स नूं सुन रही है कंसीडर कर रही है गवर्नमेंट नूं रिकमेंड कर रहे हैं जिहड़ा डिप्टी कमिश्नर साहब कर सकते हैं जो उन्होंने हाथ च है वो कर रहे हैं हुण इन्हां वल्लों जिहड़ा वाधा कर रहे उहदे लई 57 दा असी कलंदरा साडे कोल पहुंचिया प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में डीसी दफ्तर के बाहर इकट्ठा होते रहे और नारेबाजी करते रहे। हालांकि उन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें हिरासत में लिया गया। न्यूज़ PHS रिपोर्ट पठानकोट।